कि आप भी दिल्ली में जर्से मकान ढूंढ रहे हैं जो जमीन से लेकर छत तक आपका हो, पार्किंग के लिए आपको अलग से जगह मिल जाए और दो मंजिल बना हुआ हो, साथ में वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जिसपे आप होम लोन भी ले सके, इसकी रजिस्ट्री जनकपुरी रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। घर में जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो या गैस कनेक्शन की बात हो। और हाँ, हम जहाँ रहते हैं हम चाहते हैं कि सराउंडिंग्स हमारी अच्छी हो, तो यहाँ पे आपको घर के आसपास ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन सब मिल जाएगा। और अभी तक दिल्ली में इस तरह का आप जर्से मकान ढूंढ रहे थे जमीन से लेके छत तक, जिसमें आप चाह रहे थे आपको 3 बेडरूम मिल जाए, 2 वॉशरूम मिल जाए और साथ में 2 किचन भी मिल जाए, तो ये जो छत, जमीन से लेके छत तक मकान बना हुआ है, जो जर्से मकान बना हुआ है, 55 गज यूजेबल एरिया मिलता है, सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर से ही मिलेगा यही, और जो घर अभी हम देखने वाले हैं वो 55 गज में बना हुआ है, 2 मंजिल का है। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 2 मंजिल बना हुआ है जिसमें 3 बेडरूम, 2 वॉशरूम और 2 किचन है, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और हाँ, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं, स्मॉल फैमिली हैं, तो आप नीचे का फ्लोर चाहें तो आप रेंट पे दे सकते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आप रह भी सकते हैं। मैं आपको लेआउट समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये आपका पार्किंग का एरिया है, जब हम अंदर चलेंगे तो यहाँ आपको एक मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, स्पेसियस बड़ा सा, यहाँ एक बेडरूम मिलता है और साथ में एक कॉमन वॉशरूम हम लोग ने यहाँ दिया है, उसके बाद भी इस तरफ आपको जगह मिलता है। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, स्टेयर से जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको 2 बेडरूम मिलेगा, 1 वॉशरूम मिलेगा और 1 मॉड्यूलर किचन मिलेगा। इसके ठीक ऊपर छत से हमने इंट्रोडक्शन दी है, आपने देख लिया है कितना बड़ा छत है, तो इस तरह से पूरा लेआउट है। लेआउट आपने देख लिया, आइए अब आपको रोड दिखाता हूँ। यहाँ इस तरह की आपको रोड मिल जाती है, चौड़ी सड़क है, आप देख पा रहे होंगे साफ सुथरा और चौड़ा सड़क दिख रहा होगा। इसी के सामने ऊपर देखिए एलिवेशन इस तरह की आपको मिल जाती है। अब हम लोग अंदर से पूरा ये जर्से मकान है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा पार्किंग का एरिया मिलता है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आप अपना 2-व्हीलर, अपनी मोटरसाइकिल रख सकते हैं। इस तरफ हम लोग ने जो पानी का कनेक्शन है वो दिया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और स्टेयर्स यहाँ से ऊपर जा रही है। स्टेनलेस स्टील जो 304 ग्रेड की रेलिंग आती है वो हम लोग लगाई है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा किचन मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, वो एक बार आप किचन का पूरा स्पेस दिखाइए, आप थोड़ा पीछे जाइए और पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस तरह का ये पूरा जो मॉड्यूलर किचन है वो मिल रहा है, नीचे भी ड्रॉर्स दिए गए हैं, ऊपर भी ड्रॉर्स दिए गए हैं। मैं ओपन करके भी आपको कुछ कैबिनेट्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ये बड़े बड़े जो कैबिनेट्स हैं वो मिल जाते हैं, यहाँ भी देखिए इस तरह का ये बड़े सारे कैबिनेट्स आपको मिलते हैं, कटलरी वेयर के लिए, प्लेट के लिए, ये सारे यहाँ पे जो अच्छे खासे जगह है वो निकाले गए हैं। यहाँ बड़े साइज़ का जो कंटेनर है वो आ जाएगा, जिसमें आटा, चावल, गेहूँ आप लोग रखते हैं। ऊपर भी मैं दिखाता हूँ, इस तरह का देखिए कैबिनेट्स आपको मिल रहा है, यहाँ यहाँ भी स्पेस मिलता है, यहाँ भी आपको स्पेस मिल रहा है और साथ में यहाँ भी स्पेस मिलता है। अंदर भी हम लोग ने माइका यूज़ किया है और बाहर कांच का काम किया गया है। यहाँ आरओ या गीजर रख सकते हैं, इसके ठीक नीचे हम लोग ने साउंड प्रूफ यहाँ पे सिंक लगाया है। पानी आपको यहाँ पे 2 तरह का मिलता है, समरसेबल का और दिल्ली जल बोर्ड का। यहाँ इंटरकॉम दिया गया है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बाहर जाके दरवाज़ा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यही बटन प्रेस करेंगे पार्किंग का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का किचन आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ देखने को मिल रहा है। जब फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे सेम मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। चलिए अब हम लोग ये बेडरूम देख लेते हैं। देखिए इस तरह का ये पूरा आपको यहाँ बेडरूम मिलता है, वेट्रीफाइड टाइल्स की आपको ये पूरा फ्लोरिंग मिल जाता है। देखिए इस तरह का हम लोग ने यहाँ पे डिजिटल टाइल्स यूज किया है। साथ में अगर ऊपर दिखाऊं दीवार पे तो 3D लुक का हम लोग ने यहाँ वॉलपेपर यूज किया है और साथ में ये वार्डरोब आपको मिल जाता है। दीवार के अंदर ही हम लोग ने ये पूरा स्पेस बनाया है वार्डरोब का, इसके अंदर आपको एक ड्रॉर्स भी इस तरह से मिल जाते हैं और साथ में टीवी अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी पैनल भी मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ देखिए इस तरह का ये पूरा टीवी पैनल मिलता है। यहाँ हम लोग ने लोअर्स यूज़ किया है, नीचे भी आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। अब अगर बात करूँ एसी की तो ऑलरेडी एसी की जो वायरिंग है वो हम लोग इसमें करके दे रहे हैं, आपको इनडोर और आउटडोर लगाना है। स्प्लिट एसी की वायरिंग है। ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन दिखाता हूँ, देखिए इस तरह की फॉल सीलिंग की आपको डिज़ाइन मिल जाती है, कॉप लाइट और LED लाइट्स के साथ। इसके साथ जो वॉशरूम आपको मिलता है वो भी देख लीजिए कितना
स्पीसीज है, जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं। एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग हम लोग ने यूज़ की है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पैर नहीं फिसलेगा, चाहे वो शावर हो, शीट हो, वॉश बेसिन हो, वो सारी चीज़ें हम लोग लगा के दे रहे हैं। अब आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो आपको बैल्कनी देखने को मिलती है। देखिए कितनी बड़ी आपको बैल्कनी मिल जाती है यहाँ पे। ये पूरा आपको बैल्कनी का एरिया मिलता है। हम लोग ने टैप लगा दिया है, आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हम लोग ने लगाई है। अब इस तरफ आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ रेलिंग को हम लोग ने ऊपर तक लिया है, छत तक, छत पे भी हम चल के आपको दिखाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ जो फर्स्ट बेडरूम है वो, इसमें भी हम लोग ने टाइल्स लगाया है, बट इसका जो लुक है वो वुडन रखा गया है। इस तरह का दिखाइए पूरी फ्लोरिंग, इस तरह का पूरा आपको फ्लोरिंग मिल रहा है। इसी से मिलता जुलता हम लोग ने यहाँ पे 3D लुक का वॉलपेपर लगाया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ भी आपको इस बेडरूम में भी टीवी पैनल मिल जाता है जो यहाँ है। इस तरह का यहाँ डिजाइन हम लोगों ने दिया है। स्टोरेज 3 कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। इस तरह के आपका यहाँ पे सेटअप बॉक्स आ जाएगा, आप चाहें इसमें कुछ स्टोर भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए देखिए ये बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है। और अभी जो आपने बैल्कनी देखी है, यहाँ से भी इस बैल्कनी की ओपनिंग है। साथ में चाहूँगा एक बार फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी आप दिखाइए। इस तरह से जो सीलिंग के डिज़ाइन है वो आपको मिल जाती है कॉब लाइट LED लाइट्स के साथ। बहुत ही बेहतरीन हम लोग ने इसको बनाने की कोशिश की है। बहुत ही प्यारा घर है, 2 मंजिल बना हुआ जिसमें 3 बेडरूम, 2 वॉशरूम, 2 किचन मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत शायद आपको भी लग रहा होगा। अब देखिए फर्स्ट फ्लोर पे अगेन इस तरह का आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है। और मैंने जो आपको इंटरकॉम की बात की थी, इस फ्लोर पे भी हम लोग ने दिया है। अगर कोई आपसे मिलने आते हैं, यहाँ भी आप बटन प्रेस करेंगे, पार्किंग का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाएगा। चलिए अब किचन दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का जो कैबिनेट्स हैं वो आपको मिल जाता है। अगर मैं इस तरफ का स्पेस दिखाऊं तो यहाँ भी देखिए इस तरह का बड़ा सा स्पेस मिलता है बड़े कंटेनर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी यहाँ हम लोग लगा के दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह के कैबिनेट्स हैं आपको मिल रहे हैं। यहाँ भी स्टोरेज के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। ये सारे बड़े बड़े जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं। इस तरह का देखिए अंदर भी माइका यूज़ किया गया है और बाहर में हम लोग ने जो कॉपर ग्लास है वो यूज़ किया है। यहाँ भी आपको साउंड प्रूफ सिंक मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जोर से भी बर्तन रखेंगे तो आवाज़ तेज नहीं आएगी। तो इस तरह का ये भी मॉडलर किचन आपको मिलता है। चलिए मैं वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। अब थोड़ा इस तरफ आइए अंकित। देखिए इस तरह का ये पूरा वॉशरूम है। नीचे भी सेम स्पेस आपको मिल रहा था। यहाँ बड़ा सा स्पेस है वेंटिलेशन के लिए। इस तरह की विंडो है, नीचे भी आपको विंडो मिल जाता है। सीट हम लोग ने यहाँ लगाया है, टैप यहाँ पे दिए गए हैं, वॉश बेसिन आपको यहाँ मिल जाता है और शावर यहाँ लगाया गया है। तो इस तरह का बड़ा सा वॉशरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर पे भी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो अपना सेकेंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, वो इसकी फ्लोरिंग एक बार दिखाइए। इसमें भी डिजिटल टाइल्स मैटिफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग आपको मिलती है और यहाँ हम लोग ने वॉलपेपर दिया है। इसमें भी आपको एक वार्डरोब मिल जाता है इस तरह का फुल लेंथ में। एक बार स्टोरेज दिखाइए आप, डीप स्टोरेज आपको मिलता है इसमें। इसके अंदर भी एक ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ इस तरह का, ऊपर भी आपको स्पेस मिलता है। और इसमें भी हम लोग ने स्प्लिट एसी की वायरिंग करके दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ स्प्लिट एसी की वायरिंग आपको मिल जाती है और जो सीलिंग की डिज़ाइन है वो देख लीजिए। इस तरह का जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है वो भी आपको मिलता है। 50 गज की आपको इसकी रजिस्ट्री मिलती है। मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब चलिए हम लोग चलते हैं छत पे। आपने जमीन से लेकर छत तक जो 50 गज में बना हुआ है जर से मकान है उसकी पूरी डिटेल वीडियो देख ली है। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं 60 सेकंड की वीडियो देखने के लिए। और हाँ, फ्री होल्ड अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए दिल्ली जैसे शहर में, वो भी सस्ते प्राइस में, चाहे वो फ्लैट हो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या जर से मकान हो जैसा अभी आप देख रहे हैं, बड़े सारे ऑप्शन सानवी रियल एस्टेट के पास रहता है। और सानवी रियल एस्टेट की एक ही कोशिश है कि दिल्ली जैसे शहर में लोन पे रजिस्ट्री वाले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दे सकें। आप अगर रेंट के मकान में रहते हैं तो रेंट के मकान से उठाकर आपको अपने मकान में हम आपको शिफ्ट करवा सकें। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा विजन है और यही हमारा मिशन है। तो सर दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नया फ्लैट में नए वीडियो के साथ।
तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ऑफ कोर्स आप ही सानवी रियल एस्टेट हैं और आप ही से सानवी रियल एस्टेट हैं। घर से ही मिलेगा ही। थैंक यू।